आज के समय में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कैनन के 700D या T5i को यूज़ करने का तरीका। आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजीली किसी प्रॉब्लम के बिना, सारा कुछ मैं आपको इसी में वीडियो में दिखाऊंगा। स्टार्टिंग से लेकर वीडियो तक ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, जब आप अपना कैमरा लेंगे पर मैं इसको लेंस को रख देता हूँ साइड और इसको भी कैप को, जो ये आपका कैमरा होगा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, अपने कैमरे की पहले आपको डिस्प्ले घुमानी है, ठीक है। साइड में देखेंगे तो इस तरह का स्लॉट मिलेगा, इसको आपको ऐसे करके ऊपर करके ऐसे करना है, अंदर की तरफ पुश करेंगे, यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड डालने का स्लॉट मिलेगा। यहाँ से आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, ये मैंने डाल दिया ऐसे। दूसरी तरफ घूमें साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्वैप मिल जाएगा कि यहाँ पे आप HDMI या डाटा केबल कनेक्ट कर सकते हैं, इसे बंद कर देंगे इस तरह। दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे माइक और हेडफोन कनेक्ट करने का मिल जाएगा, जैक का सपोर्ट, इसको भी आप बंद कर देंगे। नीचे की तरफ अगर आप इसे ऐसे करके खोलेंगे, ये पूरा ऐसे होगा बंद, इसको ढंग से आप पीछे से करके खोलेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैटरी का ऑप्शन, यहाँ पे आपकी बैटरी, इसको इस तरह पीछे करेंगे, ये रही आपकी बैटरी। बैटरी को चार्ज करने के लिए अलग से चार्जर आता है जो आप कैमरे के साथ ही आएगा, ये रही बैटरी। उसके अलावा जो आप बैटरी को डाल देंगे अंदर, एक सेकेंड में डाल देता हूँ, देखिए आप यहाँ पे देखा आपने लाइट ब्लिप हुई थी, जैसे ही बैटरी अंदर जाएगी लाइट ब्लिप होगी। फ्रंट लुक कैमरे की आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगी, आप जब देखेंगे तो ये दोनों बटन आपको ऑफ दिखेंगे, जिसका है एक स्टेबलाइजेशन, एक है ऑटो फोकस। स्टेबलाइजेशन को मैं कर देता हूँ ऑन, ऑटो फोकस को कर देता हूँ ऑन। चलिए ऑटो फोकस को ऑन करके आपको दिखाता हूँ क्या होगा। सामने से कवर को हटाइए, कैमरा इसे कहेंगे आप ऑन, तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगी डिस्प्ले। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल जाएंगे बहुत सारे मोड्स, मैनुअल, स्मार्ट सीन। स्मार्ट सीन में दोस्तों मैं बता दूं क्या होगा, स्मार्ट सीन क्या होगा, ये फ़ोटो लेगा जैसे आपकी, कुछ जैसे आपकी फ़ोटो नॉर्मल होंगी क्लिक करते ही क्लिक हो जाएंगी। बाकी स्मार्ट सीन में क्या होगा, ये आपकी 0.3 0.4 सेकंड्स का गैप लेगा। मेनली स्मार्ट सीन प्रेफर किया जाता है ट्राइपॉड अगर आपके पास है तो। उसके बाद ये फ़ोटो बहुत बेस्ट लेता है, बट ये वाला इफेक्ट है आप देखेंगे लाइन आ रही है, लाइन के सामने आपको ये लगाना है, वो इफेक्ट लग जाएगा। ये है स्पोर्ट्स मोड, अगर बर्स्ट मोड होता है ये आप लगातार फ़ोटोज़ खींचने के काम आता है। ये है फ्लावर मोड, इसमें क्या होता है आप छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, आप उनको जूम करके ले सकते हैं बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ। लैंडस्केप मोड, जैसे कोई अच्छा सीनरी चाहे साथ आगे है तो आप इसको यूज़ करें। पोर्ट्रेट मोड, ये एक ब्लर मोड है दोस्तों, इससे बहुत अच्छी पिक्स ब्लर हो जाती हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। CA मोड में क्या होता है दोस्तों, आपको कलर्स इफेक्ट वगैरह सब कुछ खुद ही करे हुए मिलते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फ्लैश ऑन ऑफ या ब्लर एडजस्ट करने का ही मौका मिलेगा। ये है फ्लैश ऑफ, इसमें फ्लैश ऑन नहीं हो सकती। यह है ऑटो परफेक्ट, इसमें क्या होगा पिक्चर खुद ही बिल्कुल क्लियर, जिसको जो कैमरे के हिसाब से सही होगी वैसे लेगा। बट टू बी ऑनेस्ट अगर आपको बताऊं तो आप कैमरे को अगर आप मैनुअली यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट आपको मैनुअली यूज़ करना आना चाहिए। यह है P मोड, इसमें से आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। यह है TV मोड, इसमें आप कंट्रास्ट और सैचुरेशंस को आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इसकी क्लैरिटी एडजस्ट कर सकते हैं। AV मोड में क्या है दोस्तों, आपको इसके डार्क करने का मौका मिलता है, आप पिक्स को डार्क करके उनकी क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ पोर्ट्रेट मोड पे, देखिए यहाँ पे सारा आपको इस तरह का, जब आप देखेंगे तो आपको डिस्प्ले पे कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। मैंने पोर्ट्रेट मोड पे कर दिया, ठीक है। मेन्यू का बटन मिल जाता है दोस्तों, मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट वगैरह का मिलेगा, फोल्डर एडजस्ट करने का, स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट का, टाइम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब आपको पिक क्लिक करेंगे कैसे, ये रहा बटन पिक क्लिक करने का, इसको एक बार छोटा सा टच करें तो देखिए फ्लैश खड़ी हो गई है। अब एक मिनट, अगर आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आ गई है। अब ये देखिए खुद ही फोकस ले रहा है, मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने हल्का सा बटन दबाया। आप सुन सकते हैं दोस्तों आवाज़ जो इस वक्त हो रही है, ये कैनन के हर कैमरे में नहीं, ये कैनन के कुछ कैमरों में होती है और ये इसीलिए होती है। देखिए अब ये पास का फोकस इतनी जल्दी नहीं ले पाता, बट अगर मैं इसे कर दूँ मैन्युअली तो मैं फोकस खुद लूँगा। फोकस लेने के लिए दोस्तों आपको ये वाले रिंग को इस तरह घुमाना होगा, ये है जूम, ये है रिंग, ये मैंने पहले इसको ऐसे किया,
जूम अपने हिसाब से, अब मैंने करूँगा इसको क्लियर, और आप देख सकते हैं अला वजन था जो मैंने आपको बताया था। पिक हो गई है क्लिक, अगर मैं चाहूँगा तो फ्लैश कर दूँगा ओपन। पिक हो गई है क्लिक, पिक देखने के लिए आपको यहाँ पे करना है गैलरी वाले बटन पे क्लिक। पिक को आप देख सकते हैं जूम करने के लिए टच स्क्रीन अवेलेबल है, तो आप इसे जूम करेंगे इस तरह से कुछ, जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है इरेज, ये भी इरेज, और आपके पिक होगी डिलीट। तो उसके बाद दोस्तों अगर आपको करना है, जैसे कि आपको सपोज अपना करना है लेंस चेंज, इमेज आपको अगर आप वीडियो बनानी है तो मैं आपको वो बता दूँ, वीडियो के लिए आपको इसको एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। ये देखिए अब आपकी स्क्रीन ये ऐसे ही आएगी। वीडियो ऑन करने के लिए आपको इस बटन को दबाना होगा, वीडियो ऑन होने का साइन यहाँ पर आ चुका है। ब्लर ब्लर तो आप यूँ ही एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ब्लर की तो रिंग से ही एडजस्ट हो जाता है सारा। ये क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको करना है वीडियो को बंद, यूँ वीडियो पॉज नहीं हो सकता इसके अंदर, वीडियो एक ही बार में पूरा बनेगा या बंद होगा। उसके अलावा वीडियो में भी आप इन मोड्स को चेंज करके कुछ इफेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके अलावा आप वीडियो को बंद नहीं कर सकते जैसे मैंने आपको बताया, पर आप एक काम चाहे तो कर सकते हैं, वीडियो में आपका फ्लैश भी यूज़ नहीं होगा। जो आप ये अलग से स्लॉट देख रहे हैं वाइट कलर का, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये अलग से फ्लैश लगती है, तब आपके वीडियोज़ में फ्लैश आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्लैश यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर आपको लेंस चेंज करना है तो आपको पहले करना होगा कैमरा बंद, उसके बाद आपको इसको मैं फोल्ड करके रखता हूँ यूँ नीचे। ये जो आपकी कैप थी पहले आप इसको कर लीजिए वापस, कैमरे का लेंस आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि लेंस को पूरा बंद कर दें, जैसे कि ये यूँ है तो आप इसे पूरा मैंने कर दिया है बंद इस तरह से। ये रहा कैप, कैप को लगा दिया ऊपर। कैप को दोस्तों हटाना मत भूलिए, लगाना मत भूलिएगा बार बार, क्योंकि अगर आप लगाएंगे नहीं तो कैमरा हो जाएगा गंदा, कैमरा मांगेगा बार बार सर्विस। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये बटन है यहाँ पर, अगर आप इस बटन को दबाए रखेंगे कैमरे को, उसके बाद आप लेंस को पकड़ेंगे घुमाएंगे, ये आ गया लेंस बाहर, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं लेंस कुछ पीछे से इस तरीके का दिखेगा और बिना लेंस के कुछ इस तरह से। ये लेंस मैं हटा देता हूँ, ये मेरा आ गया दूसरा लेंस जिसका नाम है 55-250। ये देखिए यहाँ पे आपको एक वाइट कलर का डॉट मिल जाता है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक वाइट डॉट यहाँ भी मिल रहा है। दोनों के दोनों वाइट डॉट्स को इस तरह करना है ऊपर नीचे और ऐसे ऐसे घुमाना है। आपने एक टिक की आवाज़ सुनी होगी, देख सकते हैं कैमरा देखने में हो गया काफ़ी बड़ा। लेंस को अगर पूरा खोल दूँ तो और बड़ा देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल फोटोग्राफी वगैरह में लोग बड़े लेंस यूज़ करते हैं, जो छोटा लेंस है वो है 18-55, वो लेंस आप यूज़ करेंगे सिर्फ घर में फोटोग्राफी करने के लिए। इसका कवर भी इस तरह हटाइए, यूज़ में बिल्कुल सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है, ये थोड़ा जूम की फ़ोटोज़ लेगा और वो थोड़ा जूम कम लेगा, उसके अलावा उसका ब्लर थोड़ा कम हुआ, इसका ब्लर थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क नहीं आ जाता, ठीक है। आप दोनों चाहें तो लेंस खरीद सकते हैं साथ, नहीं तो चाहें अलग अलग ले सकते हैं। इसको एक बात देखिए, अगर आप ऑटो फोकस में पिक क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मैं कुछ नहीं कर रहा, ये खुद ही जो करना चाहता है करेगा, मुझे बस जूम एडजस्ट करना है। देखिए लेंस खुद ही बाहर निकल रहा है और ये कर दी क्लिक। इस वक्त मैंने टाइमर लगा रखा है इसलिए टाइमर ले रहा है खुद ही, अगर मैं इसका टाइमर हटा दूं तो कुछ इस तरह से हटेगा, दिखाता हूँ। टाइमर हट गया, सिंगल शूट। अब आप देखेंगे किस तरह पे क्लिक हुई, पिक हो गई क्लिक, देख सकते हैं आप यहाँ पे पिक की क्लैरिटी बहुत अच्छी देता है ये। उसके अलावा स्मार्ट सीन का ऑप्शन, फ्लैश देखिए, फ्लैश आई, ठीक है ना। तो दोस्तों वैसे कैमरा बहुत अच्छा है ये यूज़ में, सर्विस थोड़े टाइम टू टाइम इसको चाहिए होती है। शुरुआत की एक सर्विस आपको मिल जाती है फ्री, सर्विस आप कब करेंगे जब आपका कैमरे की फ़ोटोज़ आप नहीं क्लिक कर पा रहे होंगे अच्छे से,
तो आपको करानी है इसकी सर्विस, बेवजह सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट एक साल में एक बार एक कैमरे की सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों कैनन के कैमरेज की सबसे बेस्ट बात ये होती है, इनकी सेकेंड हैंड वैल्यू बहुत अच्छी जाती है। जब आप इन्हें सेकेंड हैंड सेल करते हैं तो ये अच्छे से बिक जाते हैं, वरना निकॉन के कैमरे थोड़े महंगी रेंज में जाते हैं। और जब आप इसे अपने बैग में पैक करके रखेंगे दोस्तों, तब भी मेरी सलाह यही है कि आप अपना किट बड़े वाले लेंस को निकाल दें। इस तरह से मेरा तो जैसे हाथ बैठा तो मैं इसे आराम से कर दूँगा क्लिक, और छोटे लेंस को लगा के आप इसे रखें। छोटे लेंस और बड़े लेंस काफ़ी फ़र्क है, अगर आप ध्यान दें, बड़ा लेंस इसका इतना बड़ा है, छोटा काफ़ी छोटा है। उसके अलावा फ्लैश आपकी ये है, कैनन यहाँ लिखा हुआ, साथ में कैनन 700G लिखा हुआ लेबलिंग के साथ। ये बटन दोस्तों इससे आपके फोकस वगैरह का एडजस्ट करने के लिए है, इसका कोई खास यूज़ ऐसे है नहीं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये होल मिल जाता है, यहाँ पे आपका ट्राइपॉड अटैच होता है इससे। और जब आप इसे रखें तो ध्यान रखिएगा कि आप स्क्रीन को वापस फोल्ड करके बंद कर दें और कैमरे को ऊपर से बंद करना ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतने से, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे टेक्निकल गेमिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।